हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफल्स का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में होगा। ये राइफल्स भारतीय सेना द्वारा कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही इंसास INSAS जिसे कहा जाता है, राइफल्स की जगह पर ये होंगी और भारतीय सेना को 7.50 लाख के AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जरूरत है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बेयोनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की हैं, और जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम्स है। इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 मात्र 705 मिलीमीटर की है। अगला सवाल, UAE के साथ किन दो अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है? सही जवाब है जॉर्डन और इजराइल। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में इजराइल और जॉर्डन ने यूएई के बीच अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जलवायु संकट से निपटने के लिए परस्पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के तहत हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने एक बयान में ये कहा है कि इजराइल, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जलवायु संकट की चुनौतियों के साथ साथ इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और पानी की आपूर्ति के लिए एक संयुक्त प्रतिक्रिया को सक्षम करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन LCRD किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? सही जवाब है 4 दिसंबर 2021। तो आपको बता दें कि LCRD नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन 2 साल की देरी के बाद 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इसे रक्षा विभाग के द्वारा स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 STP-SAT-6 मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनोवेरल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। ये आर्टेमिस मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा, जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाना है। इस लेजर मिशन की योजना को साल 2011 में मंजूरी दी गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत मिलन ट्रेन। आपको बता दें कि भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को नई सौगात दी है। भारतीय रेल यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगा। रेल मंत्री ने यह बताया है कि भारत गौरव ट्रेन भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होंगी। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का ऐलान किया है और इसके लिए लगभग 190 ट्रेन आवंटित की गई हैं।
अगला सवाल, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा करी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मसूद खान। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकियों से करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना नया दूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला पाक सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठनों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थक है, जिसे 2017 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अगला सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तात्या मामा। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब जो है एक और रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन को जो है उसका नाम बदलकर अब तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि तात्या भील का जन्म खांडवा जिले के पंधाना तहसील में 1842 में हुआ था। पिता भाऊ सिंह ने तात्या को लाठी और व तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया। तात्या ने धनुष बाण के साथ लाठी चलाने और गुफन कला में इतनी निपुणता हासिल कर ली कि उनकी चर्चा होने लगी। अगला सवाल, सूडान में भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएस मुबारक। दोस्तों आपको बता दें कि बीएस मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुबारक अभी ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुबारक को सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, वे जल्द ही कार्यभार वहां पर संभाल सकते हैं। वो सवाल जिसके जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है? तो सही जवाब है इसका गंगा एक्सप्रेसवे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 2006 की जो है अधिसूचना के अनुसार अनुसूची के तहत आने वाली इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य थी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इसे 36,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। अब अगला सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।